31 मार्च को हमारा 1978 एक्ट रिपील हुआ था, यूटी बनी थी, कॉर्पोरेशन को रीनेम करना था, तो उसका फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रखा था, उसके था इस बंदे ने एक्ट भी, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर वासु जादव है, इसने एक्ट को चेंज करवा दिया, वो एक्ट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट जो है हमारा सारा पैसा ले गई है, अरबों रुपया ले गई है, उसमें से हमें वो ग्रांट दे रही है, लेकिन 5 महीने होते हैं ये हमको एक तनख्वाह दे रहा है, परसों हमारा 30 करोड़ रुपया आया, इसने एक तनख्वाह दी है, प्लस हम सुसाइड कर रहे हैं, कोई मर गए हैं, सारा बोले बेचारे कर रहे हैं, ये मिसलीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कमीशन मैडम अच्छे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं एमडी साहब, क्योंकि एमडी का पता ही नहीं चल रहा सर, वो करता क्या है, एक कंप्यूटर के बैठ जाता, हमें कोई पता नहीं चल रहा उसका, किसी अफसर को, किसी मुलाजम को, कोई ले लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट तक सब मलावा आज हड़ताल पे है, सब चक्का जाम है, सब बंद है, आज कोई काम का सब ठप कर दिया, हमारी डिमांड है हमारी तनख्वाह रेगुलर रिलीज की जाए, सिविल एडमिशन एरियर किया जाए, 7th लगे हमको लगे, एसआरओ केस डिसाइड किए जाए, रिटायरियों को पैसा मिल जाए, अप्रैल के बाद डायरी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर तनख्वाह मिले, हमारी अब 3 महीने तनख्वाह पेंडिंग होगी, 4th चढ़ गया, 1 महीने की तनख्वाह मिली है, 5 महीने कहाँ जाएंगे हम, अब हमें मजबूरन रोड पर निकलना पड़ा, हम जाते हैं आपके जरिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जा रहे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एलजी साहब बहुत अच्छे लोग हैं, वो ये मिसलेड करते हैं, इसको निकाला जाए, कोई नया एमडी दिया जाए, जिसके जरिए हमको हमारे जो सारे हालात सुधर जाए, क्या कहना चाहेंगे, क्यों सड़कों पे आए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज हमारी क्लास की सड़क जो रुकी हुई थी, क्लास की सड़क गवर्नमेंट ने जो सड़क रोकी रखी हुई थी, वो 4 महीने के बाद हमें एक सैलरी दी गई है, जो वो बैंकों ने कहा कि जो हर एक मुलाजिम में अपना अपना लोन लेता है, तो और हमारे पास कुछ नहीं बचा, राज्य सरकार कर रहे हैं, और हमारे हमेशा कब तक आप आएंगे रोडों पे प्रदर्शन करते रहेंगे, कब तक कराएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो मजबूर होकर निकल रहे हैं रोड पर, कि हमारी सैलरी है आज मिले की सैलरी थोड़ी कम हो गई, वो भी बैंक वाले लेंगे, तो हम मजबूर होकर निकलना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसके इसके बिना हमारा विश्वास रास्ता कोई नहीं है, किसी रास्ते हम ये निकलेंगे, हमारी बहुत और गवर्नर से भी चाहिए, मैनेजमेंट से भी चाहिए, और सरकार से भी चाहिए कि